नमस्कार दोस्तों, क्विक सपोर्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं SSC CPO क्या होता है और उसकी पूरी जानकारी। अगर आप अपना भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं और आप में कुछ करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और ये उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देश में अपनी एक अलग पहचान और साथ में पैसा भी कमाना चाहते हैं। SSC CPO उन कैंडिडेट्स के लिए भी सही प्लेटफॉर्म है जो डिफेंस में अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं, जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और साथ में कमाना भी चाहते हैं। इसे क्रैक करने के लिए आप में धैर्य, ज्ञान, फिजिकल तंदुरुस्ती, फूर्ती, हिम्मत, अर्थात ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। इसकी खास बात ये है कि इसमें आने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है और इसका सिलेक्शन कंट्रोलिंग अथॉरिटी करती है। ये उन लोगों के लिए है जो काबिल एवं देशभक्त है। तो आइए जानते हैं SSC CPO के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि SSC क्या है। SSC का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग होता है। SSC भारत सरकार के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के वेरियस पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन सब ऑर्डिनेट ऑफिस में कर्मचारियों को रिक्रूट करता है। SSC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CPO उन क्षेत्रों में से एक है जो SSC में शामिल है। और अब हम जानेंगे कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय पुलिस संगठन का क्या अर्थ है। CPO गृह मंत्रालय यानी कि MHA के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपराध को रोकना, अपराध का पता लगाने, सुरक्षा के प्रावधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन पुलिस मैटर्स से रिलेटेड है। आइए देखते हैं SSC CPO कौन अप्लाई कर सकता है। SSC CPO के पद पर आने से पहले हमें ये जांचने की जरूरत है कि क्या हम पद के योग्य हैं। हमें नीचे दिए गए चार क्षेत्रों की विस्तार से जांच करनी चाहिए जो हमें पद के योग्य होने से पहले संतुष्ट होना चाहिए। सबसे पहला है राष्ट्रीयता, दूसरा है आयु सीमा, तीसरा है योग्यता। अब हम ये सारे कंडीशंस थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, जिसमें कैंडिडेट या तो होना चाहिए भारत का नागरिक, नेपाल का एक विषय सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान का एक विषय सब्जेक्ट ऑफ भूटान। बस शर्त यह है कि 2 और 3 के ऊपर की श्रेणियों से रिलेटेड कैंडिडेट एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जारी किया गया हो। दूसरे नंबर पर आता है आयु सीमा यानी कि एज लिमिट। SSC CPO के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। तीसरे नंबर पर आता है शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। किसी भी उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। केवल दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद के लिए पुरुष कैंडिडेट के पास LMV यानी कि मोटरसाइकिल और कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अब जब हम ये जानते हैं कि SSC CPO के लिए कौन योग्य है, तो अब जान लेना जरूरी है इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में, इसे क्लियर करने के बारे में। SSC CPO परीक्षा में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में रिटन एग्जाम, नंबर 2 पर फिजिकल टेस्ट, और आगे पेपर 2 में फिर से रिटन एग्जाम, मेडिकल परीक्षा टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आता है सिलेक्शन। तो आइए इसे हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। SSC CPO परीक्षा पैटर्न में सबसे पहले क्या आता है। पेपर 1, सबसे पहला पेपर है रिटन परीक्षा। परीक्षा के लिए सभी कैंडिडेट को पेपर 1 में उपस्थित होना आवश्यक है। परीक्षा के 4 भाग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशनल। प्रत्येक सेक्शन में 50 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का 1 अंक होगा। पेपर में कुल 200 प्रश्न होंगे और टेस्ट पेपर हिंदी और अंग्रेजी में सेट किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। दूसरे स्थान पर आता है फिजिकल टेस्ट। SSC CPO परीक्षा की चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट दूसरा चरण है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET। अब हम फिजिकल टेस्ट के 2 भागों को विस्तार में देखेंगे। फिजिकल टेस्ट में पहला भाग आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कुछ जरूरत जैसे कि ऊंचाई, छाती शामिल होंगे जो कि कैंडिडेट को SSC के अनुसार संतुष्ट करना होगा। अब देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। केवल पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, 85 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए। केवल पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित जुड़े हुए हैं, हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, 85 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए। सारे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू
शेड्यूल ट्राइब्स। हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 अनएक्सपैंडेड, चेस्ट 82 एक्सपैंडेड महिला कैंडिडेट्स के लिए। हाइट 157 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, हाइट 155 सेंटीमीटर जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए कि महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की नाप की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिन कैंडिडेट को फिजिकल स्टैंडर्ड यानी ऊंचाई और छाती में योग्य नहीं घोषित किया गया है, वे PIT या PST मैदान में उपस्थित अपेलेट अथॉरिटी अपील भेज सकते हैं। अपेलेट अथॉरिटी का निर्णय अंतिम होगा। अब आता है दूसरा भाग फिजिकल टेस्ट का, जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि शारीरिक योग्यता। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि शारीरिक योग्यता। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में रेस और जंप से टेस्ट की जाती है उनकी शारीरिक योग्यता को। अब देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़, 6.5 मिनट में 6 किलोमीटर की रेस, लॉन्ग जंप 3 चांस में 3.65 मीटर, हाई जंप 3 चांसेस में 1.2 मीटर, शॉर्ट पुट यानी कि 16 LBS 3 मौके में 4.5 मीटर। केवल महिला उम्मीदवारों के लिए 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़, 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद 3 चांसेस में 2.7 मीटर, उच्च कूद 3 चांसेस में 0.9 मीटर। अब हम देखते हैं तीसरा भाग SSC CPO एग्जाम पैटर्न का, जो है SSC CPO एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर सेकंड। सेकंड पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े सवाल शामिल होते हैं। पेपर में 200 सवाल होंगे। कैंडिडेट्स को 2 घंटे के भीतर पेपर पूरा करना होगा। प्रश्न अंग्रेजी भाषा के कैंडिडेट्स की समझ और ज्ञान का टेस्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कैंडिडेट का मुख्य रूप से परीक्षण किया जाएगा इन 2 चीजों में, अंग्रेजी भाषा का सरल और सादा उपयोग और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि अपनी बात को स्पष्ट बोल सके। अब हम देखते हैं चौथा भाग SSC CPO एग्जाम पैटर्न का, जो है मेडिकल परीक्षा टेस्ट। SSC CPO मेडिकल टेस्ट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए किया जाएगा जिन्होंने सेकंड पेपर में क्वालिफाई किया है। ये CAPFS के चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या सहायक सर्जन के द्वारा किया जाएगा। SSC CPO में इन सभी चीजों का मेडिकल टेस्ट होता है, जो है नेत्र परीक्षण यानी कि आई टेस्ट, लेसिक सर्जरी, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, फुट नॉक, घुटने की जांच, मूत्रिका सैंपल, रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट, शारीरिक जांच यानी कि बॉडी चेकअप, छाती का एक्सरे और हाथ का मूवमेंट टेस्ट। ऊपर बताए हुए टेस्ट के अलावा छोटे टेस्ट निम्नलिखित है जो SSC CPO मेडिकल टेस्ट के दौरान भी किए जाते हैं। कान की जांच, दांत, वेरिकोज वेन्स, आर्म्स, रीढ़ की हड्डी और बवासीर की समस्या भी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं पांचवा भाग SSC CPO एग्जाम पैटर्न का, जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अंतिम चयन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अंतिम चयन में फर्स्ट और सेकंड पेपर में कैंडिडेट के द्वारा बनाए गए कुल अंकों के आधार पर एवं विभिन्न डिपार्टमेंट्स या फोर्सेस में कैंडिडेट का सिलेक्शन उनकी योग्यता की सिचुएशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पदों के आधार पर किया जाएगा। अब हम देखते हैं अंतिम भाग SSC CPO एग्जाम पैटर्न का, जो है फाइनल सिलेक्शन। अंतिम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्त किया गया है जिन्हें भी 2 साल के लिए ट्रायल पर होंगे वो, और इसी बीच कैंडिडेट्स को इस तरह के ट्रायल पीरियड से गुजरना होगा या इस तरह की परीक्षाओं को पास करना होगा जैसा कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। ट्रायल पीरियड के समाप्त होने पर कैंडिडेट्स को अगर उपयुक्त माना जाता है तो उनके पद पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए कन्फर्म किया जाएगा। SSC CPO परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कैसे करें और कितना एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा 2020 में, आइए जानते हैं। इच्छुक कैंडिडेट SSC CPO परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nmic.in पर जाकर के और वहां दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने के लिए केवल ₹100 थ्रू SBI चालान या SBI नेट बैंकिंग या फिर वीजा डेबिट कार्ड एंड मास्टर कार्ड के जरिए भी आप रुपए दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में अब हम बताने जा रहे हैं बोनस के द्वारा जो SSC CPO परीक्षा के लिए काबिल बनाता है एंट्री एप्लीकेशन, जो कि आपको एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। आज के टाइम में जहां इंटरनेट से आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हो, वैसे ही SSC CPO की तैयारी भी आप एप्लीकेशन के द्वारा घर बैठे कर सकते हो। तो फिर आइए देखते हैं कि एंट्री एप्लीकेशन आपको SSC CPO परीक्षाओं की तैयारी के अध्ययन में मदद करेगा। SSC CPO हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है, जरूरत है तो सिर्फ प्लानिंग वे में तैयारी की शुरुआत करने की। समय रहते SSC CPO सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी पूरी कर ले और प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप एंट्री एप्लीकेशन के द्वारा दे सकते हैं। आप एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कक्षा में शामिल हो सकते हैं। एंट्री शिक्षकों के द्वारा वीडियो क्लासेस के साथ साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी ज्ञान प्रदान करता है। एंट्री कक्षाओं के आधार पर रिविजन मॉड्यूल, मंथली टेस्ट प्रदान करता है।
एंट्री पिछले साल के प्रश्न पत्रों सहित मॉक टेस्ट प्रदान करता है, ये आपको डाउट्स को क्लियर करने का भी मौका देता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एसएससी सीपीओ की पूरी जानकारी मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियो के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और नहीं जाना पड़े। फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी सवाल है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ इसे बाकी सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।